आने वाले दिनों में देश के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त रविवार को स्टेशनों के कायाकल्प की आधारशिला रखने वाले हैं। इनमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे में भी महासमुंद रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है, जिसमें शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का रिनोवेशन और डेवलपमेंट किया जाएगा। स्टेशन भवन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट की नींव रखेंगे। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग के साथ साथ अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, तिलदा नेवरा, गोंदिया, वडसा और चांदा फोर्ट स्टेशनों में प्रस्तावित विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के महासमुंद रेलवे स्टेशन का भी रिनोवेशन होगा। हालांकि ये स्टेशन देश के ईस्ट कोस्ट रेलवे में आता है। बता दें कि रेलवे स्टेशनों में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए देश भर में 1309 स्टेशनों के डेवलपमेंट के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। बता दें कि रेलवे स्टेशनों में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए देश भर में 1309 स्टेशनों के डेवलपमेंट के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी और अभी 508 रेलवे स्टेशनों के रिनोवेशन के लिए 24,470 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। स्टेशनों के रिनोवेशन से जुड़े कामों के पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अभी इन स्टेशनों पर सभी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस योजना के बाद स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा। बिलासपुर और दुर्ग स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षक केंद्र बनेंगे।